तो सड़क की जितनी भी घटनाएं आती हैं उसमें अधिकतर मामलों में तो ओबीसी के लोग जो आपके भाई बंधु जो गुर्जर समाज है वही अपराधी पाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये ऐसा है, ये बात आप मीडिया के सामने नहीं कह सकते। आप ऐसे कह सकते हो कि गुर्जर अपराधी है। स्टेटमेंट वापस लीजिए आप अपनी। देश के प्रधानमंत्री बड़े मंच पे खड़े होकर कहते हैं जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वाला, आप सुन ही नहीं रहे। नमस्कार, इस वक्त हूँ मैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर SC ST के मतलब युवाओं द्वारा बहुत बड़ा मतलब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो सीधा उन्हीं से जानते हैं ये लोग क्यों आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र कसाना है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारे कुछ जो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ पर SC ST में रखा जाता है। सरकार अब चाह रही है कि उनके साथ में कुछ और कम्युनिटी शामिल हों, तो उसमें जो उनको 10% का हिस्सेदारी वहाँ पे मिल रही है उनमें उनकी हिस्सेदारी हम नहीं चाहते कि उनमें किसी को शामिल किया जाए, इसलिए पूरे भारतवर्ष का गुजर आज जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ खड़ा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में मतलब गुर्जर समाज है वो ST समाज में आता है जी। वो 30 साल से पहले आदिवासी कश्मीर के अंदर बकरवाल गुजर हैं जो पहाड़ पे रहते हैं। 6 महीने वो तलहटी में रहते हैं और 6 महीने बर्फीला इलाका जो बर्फ पिघल जाती है वहाँ चले जाते हैं। और उन लोगों के पास अपने मकान नहीं है, अपना कोई पक्का, उनके पास कोई एजुकेशन के लिए उनके स्कूलों में कहीं नाम नहीं है और वो बहुत पिछड़ी जाती है। जब कारगिल 1999 के अंदर जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ बकरवाल गुजर अपनी पशुओं को लेकर के पहाड़ी एरिया में जाते हैं और वहाँ जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ पर आए हुए हैं तो हमारे आर्मी के चीफ को तलब करते हैं और तब जाके हमारी आर्मी एक्टिव होती है। तो जो कश्मीर के अंदर जो बकरवाल गुजर कौम है या कश्मीर के अंदर जो गुजर कौम है वो देशभक्त कौम है और उनको ST आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के टाइम में उनको ST मिला हुआ है और उस चंद्रशेखर जी के टाइम में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ST दिया हुआ उनको और वो ST का लाभ आज तक नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे जैसे हमारे भाई हैं हमारे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ST का लाभ लेकर के वो आकर के यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं और वहाँ पर जब उनके पास ना तो आधार कार्ड है ना पहचान पत्र बनते हैं उनके, ना उनको पक्का मकान दिया जाता, उनके पशुओं को वहाँ से भगा दिया जाता है जब मैदानी इलाके में आकर के अपना जो छप्पर डाल के उसका फूस का मकान बना करके रहते हैं तो वहाँ कोई भी आकर के उनको वहाँ से प्रशासन के लोग हटा देते हैं। तो आज उनको ST की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब उनको ST की ज़रूरत है तो उस ST के अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उसके अंदर ऐसी जातियों को शामिल कर रहे हैं जिन जातियों को बिल्कुल जो वहाँ पे पहले से संपन्न जातियाँ हैं, अच्छे मकानों में रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहती हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, उनमें राजपूत है, ब्राह्मण है, ये बताएंगे जातियों के बारे में बताएंगे। आप अपर कास्ट कोई भी ले लीजिए, मुस्लिम हायरार्की में हो चाहे वो हिंदू हायरार्की की, जो टॉप क्लासेस आती हैं अपर कास्टिस वो सारी ही ये बात की डिमांड कर रही हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। हालांकि ये उनकी एक इललेजिटिमेट डिमांड है, कोई लेजिटिमेट डिमांड नहीं है क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो है सिर्फ जो आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं उन्हीं के लिए है। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है काफ़ी देर से जो है ऐसी डिस्क्रिमिनेशन सहती आई है। खाला जो इनका रहन सहन है वो ऐसा है कि ये गर्मियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने माल मवेशियों को लेके और सर्दियों में जो है वापस प्लेन्स में आ जाते हैं। तो ST वालों को वहाँ कुछ ज़्यादा अधिकार मिले हुए होंगे ना, इस वजह से वो लोग देखिए अब जब दफ़ा 370 टूटने के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात आई तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को जो है 9 सीटों पे रिजर्वेशन दी गई। तो उसके बाद जो अपर कास्ट के लोग थे जो एक एरिया में उनके ऊपर हुक्म चलाते थे उनसे वो अधिकार छिन गया जब वो उनको पता चल गया कि अब हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों को अपने साथ भड़काना शुरू किया और इस चीज़ की एक जो इलिजिटिमेट डिमांड है ये रखनी शुरू कर दी। तो हम इसके कड़े विरोध में हैं क्योंकि हमारे साथ जो सामाजिक भेदभाव है ये सदियों से होता आया है। तो आज जबकि हमारी जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन की तरफ निकल रही है, हर चीज़ में समाज के हर उस कार्य में हिस्सा ले रही है, तो इन लोगों को वो चीज़ सहन नहीं हो रही तो इसके करके वो जो है दोबारा, हालांकि 40% रिजर्वेशन चाहे वो OBC हो, चाहे वो पहाड़ी रिजर्वेशन हो, चाहे वो EWS हो, चाहे RB हो, कुल मिला के 40% रिजर्वेशन वो पहाड़ी कम्युनिटी इंजॉय कर रही है। तो अभी डिमांड कर रहे हैं ये जो लोग हैं सवाल है फिर उनको शामिल भी कर दिया गया है। देखिए वो अभी ये डिमांड कर रहे हैं तो हम उनकी डिमांड के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम इस चीज का कड़ा विरोध करते हैं। हम सरकार का क्या रवैया है सर? देखिए सरकार के लिए तो हम यहाँ पे हम क्यों इकट्ठा हुए हैं,
हम सरकार को इस चीज से आगाह करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ऑल इंडिया जो गुजर समाज है, 30 करोड़ जो गुजर है इंडिया में, वो सारा इस हमारे गुजर बकरवाल समाज के साथ खड़ा है। और जितना भी एसटी गुजर तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए आरक्षण, देखिए आरक्षण की बात किसने कहा, ये बात आरक्षण की बात जो कहे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो आरक्षण है ये क्यों लाया था, क्यों लाया था कि जो क्लासेस हैं जिनके साथ सर आपने एडवोकेट दिवाकर विधुरी दिल्ली से ही हूं, और आपने गलत कहा कि कोई किसी गुर्जर ने आरक्षण खत्म करने के लिए बोला, किसी ने नहीं बोला। आज का हमारा प्रोटेस्ट सरयाम मतलब आरक्षण कोर कहते हैं एससी एसटी के लोगों को, मतलब चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, केवल हम जेएनके के लिए हैं। आज जेएनके का जो एसटी का दर्जा है उसके साथ सरकार छेड़छाड़ ना करे। कैसे खड़े होंगे जब उनको यही नहीं पता कि ओबीसी में हम आते हैं? सबको पता है सर, सब लाभ ले रहे हैं, हम गुजर लाभ ले रहे हैं ओबीसी में। आप यानी अभी हम एसटी की बात कर रहे हैं जेएनके की, वहाँ के जेएनके के जो एसटी का दर्जा उसके साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए आज आए हैं, और अगर सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना है तो सारे हिंदुस्तान के गुर्जर समाज यहाँ होगा, और यहाँ से संसद तक या हमें कुछ भी करना पड़े, और एसटी की जितनी भी अभी कम्युनिटीज हैं, अकेले गुर्जर समाज ही नहीं है, सबके सबका ये प्रोटेस्ट होगा। सरकार पे तो आरोप लगता है आरक्षण विरोधी सरकार है। सर ऐसा नहीं है, आरक्षण पे कोई विरोधी सरकार कोई नहीं होती, अगर होती तो ये समाप्त नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है। सरकार भी ठीक है, लेकिन सरकार की कहीं कुछ ऑफिसर्स की गलत मंशा की वजह से हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, क्या आपको उसमें आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं दिखाई देती? सर ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरक्षण है। वहाँ एसटी का 9 सीटों का आरक्षण है, इससे उसे कोई संबंध नहीं है। वो जो अपर कास्ट आना चाह रही है केवल इसी की वजह से, वो वैसे ही बहुत समृद्ध है, समृद्ध है। आप अपने घर में बैठे रहिए भाई साहब, आप हमारे एसटी के इसको स्टेटस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हमारा उसी के लिए प्रोटेस्ट है सर। तो आपकी मेन मांग जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सारा टोटल रिजर्वेशन, हमारी पूरी रिजर्वेशन जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, हमारे रिजर्वेशन के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार हमारे ही है, सिर्फ वो हमारे पास ही रहे, ना कि हम किसी की हिस्सेदारी चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर समाज में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है इससे पहले, और उसके खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी है, और अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करके आज हम जो थोड़ा उनके सामने कुछ ही लोग हमारी कम्युनिटी से चंद लोग, जैसे मैं वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरे काफ़ी सारे साथी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, बाकी दिल्ली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, ये अपने आप को कहाँ मानते हैं कि आप लोगों ने शोषण झेला है? वो लोग तो क्या आपको नहीं पता कि हमने शोषण झेला? नहीं, हम तो मानते हैं, लेकिन नहीं नहीं, ऐसे ही जो लोग किसी पे दबाव बनाते हैं वो ये थोड़ी कहते हैं कि हमने उस पे दबाव बनाया। ये तो समाज देख रहा है कि किस तरीके से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ वहाँ पे जो है ऐसे भेदभाव किया गया। बाकी शोषण की जितनी भी घटनाएं आती है उसमें अधिकतर मामलों में तो ओबीसी के लोग, जो आपके भाई बंधु गुर्जर समाज, आप वही अपराधी पाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, देखिए मीडिया के सामने नहीं कह सकते, आप कैसे कह सकते हो कि गुर्जर अपराधी है? गुर्जर अपने गुर्जर को सुनो, ओबीसी बोला है, गुर्जर शब्द आपने गुर्जर शब्द चेक कर लीजिए, मैंने बात चेक किया, सुनिए आप गुर्जर शब्द का नहीं, सुनिए अपराधी है, गुर्जर अपने अधिकार के लिए लड़ा है और लड़ता रहेगा। और सुनो, ये जम्मू कश्मीर के गुर्जर, ये जम्मू कश्मीर के गुर्जर, मैं केवल और इनके साथ हम पूरे एनसीआर का, मैं केवल मैं केवल गुर्जर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इंसान एक और आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप अन्य अत्याचार के खिलाफ भी हैं क्या? अगर मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है, अरे मैं अपराधी नहीं, अरे अपराधी नहीं बोला, पहले बात आप किसी पे ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट वापस लीजिए। आप अपनी कैसे आप अपराधी कैसे कह रहे हैं? क्या अपराधी? देश के प्रधानमंत्री बड़े मंच पे खड़े होकर कहते हैं जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वाला है। आप सुन नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनिए यार, आप मेरी बात तो सुनिए कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ कि देश भर में जितने एससी एसटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है
तो उसमें अधिकतर ओबीसी के लोगों का हाथ आता है। मैंने गुर्जर समाज की बात नहीं की है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए दलित दलित आवाज में थोड़ा हमारे जम्मू कश्मीर का जो गुर्जर बकरवाल है वो एसटी आरक्षण में अकेली जाति नहीं है, एसटी जाति में और बहुत सारी छोटी है जो वाल्मीकि है, जो वहाँ सुलकास्ट है, इस टाइप की जो जो वहाँ बंजारे हैं वो भी जाती हैं। आज विषय ये है कि 100% में से 40% आरक्षण अनारक्षित सीट है, 40% उसका वो आनंद ले रहे हैं ऑलरेडी ऊपर की जातियाँ। और जिन गुर्जरों के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ का एक भी गुर्जर आज तक, अरे सुनिए कौन है, अरे सुनो सुनो सुझा थोड़ा, आज तक आष्टी वहाँ का एक भी गुर्जर आज तक आतंकवादी नहीं हुआ है, आज तक रिकॉर्ड है। उस हमारे गुर्जर बकर वालों को राष्ट्रभक्त माना जाता है, आपने टीवी पे सुधीर चौधरी की बाइक भी सुनी होगी, आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और दो लोगों को मिलिट्री के साथ लड़ करके आतंकवादियों को मारने के लिए मारने के लिए हमारे वो जो खुद मुस्लिम गुर्जर जो हमारे आए और सऊदी अरब से नौकरी छोड़ कर आए और 247 आतंकवादी मारे, वो राष्ट्रभक्त काम जिसके जो बर्बाद थी जो जंगलों में घूम रही थी उसको सरकार ने जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे एसटी का आरक्षण दिया था 1991 में। उसके बाद वो आरक्षण से आगे बढ़े, वो लोग जो जंगलों में घूम रहे थे आज उनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे, मैं इस चीज को मानता हूँ। मैं सिर्फ ये तक दे रहा था कि अधिकतर जो गरीब मजदूर जो मजदूर वर्ग है उसके साथ जब शोषण की घटना होती है उसमें अधिकतर हमारा विरोध है। सुनो, हमारा विरोध है जो लोग ऑलरेडी बहुत सक्षम है, जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें पहाड़ी क्षेत्र के नाम पर एसटी में आरक्षण के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, सरकार के कुछ लोग उसके इशारे पर नाच रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ, सरकार को अपनी आवाज़ हम ये बताने के लिए सब लोग, हम हरियाणा के हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा हिंदू और मुस्लिम गुर्जर पूरे हिंदुस्तान में एक है और हम एक आवाज़ बन के लड़ते हैं हमेशा। तो हम ये आवाज़ देने आए हैं कि उस पर हमारे पे छेड़छाड़ नहीं करी जाए और उस आरक्षण में उन जातियों को नहीं ली जाए, बस इसके लिए आवाज उठाना है। संख्या बड़ी कम रहेगी सर आवाज देने के लिए। कैसे? अभी आज पहली बार आए हैं, आज पहली बार आए हैं, आज केवल आप लोगों, आज हमें अपनी जनसंख्या नहीं, हमें आप लोगों की जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। जो आपके कैमरा चल रहे हैं हम आपके माध्यम से पूरे देश के अंदर ये बात फैलाना चाहते हैं। और कश्मीर का गुर्जर देशभक्त, कश्मीर का गुर्जर देशभक्त गुर्जर है, चाहे आप जो है कारगिल का युद्ध देखो, चाहे वहां से आतंकवादियों को खत्म करने का मुद्दा, देखो, तो केवल गुर्जर कौम भक्त ऐसी, गुर्जर कौम ऐसी वहां पे जो देशभक्त के कौम से जो कहलाई जाती है। और जो घाटी का अन्य कौन सी बाकी कम्युनिटी का, सुनो, केवल हम गुर्जर से अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे, केवल हम गुर्जर हैं। आप एससी एसटी का फायदा ले रहे हैं तो राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, वो एससी समाज से आते हैं। आपके संगठन या आपके समाज ने मतलब इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया देशभक्त? ऐसा सुनो, अपराधी हर जाति में होते हैं, हर समाज। सुनो वो अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी किसी ने किया भी अगर वो कोई, आप हमारी जाति को बताना चाहते हो तो वो, अरे सर आप उस पॉइंट को ले रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे भक्ति के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर दो लोगों को गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिए वहाँ पर देशभक्ति के लिए, मोहम्मदीन गुर्जर को और सरवर कसाना को, औरंगजेब की। और हम पूरे मिलिट्री के साथ रहते हैं क्योंकि वो बॉर्डर का मैटर, तुम कह रहे हो ना यूपी के राष्ट्रभक्ति होते हैं, राष्ट्रभक्त सब के होते हैं, सब जातियों में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रभक्त अकेले एक जाति में होता है। हमारे चंद्रशेखर आजाद मतलब वालों के साथ सपोर्ट में आए, हमारे पास सब ये है, हमारा उसके साथ, हम उनके साथ आए और उसके आंदोलन तैयारी वहाँ भी कर। रुको, झारखंड में ऑलरेडी हो गया, कुछ जातियों का एसटी घुसा दिया, यूपी में भी, अभी आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो एसटी में गुजर है वहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ भी होने की संभावना हो रही है, उसके चर्चा वहाँ चल रही है। ये हम पहली आवाज उठाना है और हम बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली स्तर पर, सरकार के इशारे पे कुछ लोग मांग उठा, हाँ कुछ लोग मांग उठा रहे हैं, सरकार के इशारे पर नहीं, सरकार में हर तरह के लोग होते हैं, कोई कहता है हाँ ठीक है हम करवा दें, कोई कहता नहीं करने देंगे। हम तो उन सब लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए आए हैं।
हमारा मकसद ये है, और कोई मतलब नहीं। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं, कोई सवाल नहीं है, सवाल कितना इतना ही है कि जो जम्मू कश्मीर का गुजर है, उस गुजर बकरवाल के साथ हमारे पूरा हिंदुस्तान का गुजर जो 28 करोड़ गुजर है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, और तन मन धन से उसके साथ खड़ा हुआ है। अगर वो कहीं भी प्रोटेस्ट करता है तो जो हमारे से होगा वो हम उसके साथ खड़े हुए होंगे। और ये आरक्षण आज से आरक्षित नहीं है, इसको 3 दशक से भी ज्यादा हो गया, 1991 में चंद्रशेखर जी ने किया था, आज उसके साथ खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, हमें SC ST जो रिजर्वेशन है हम इसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल जो पिछड़ी हुई जाति है उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था, आप गलत ले गए थे, आपने जो शब्द प्रयोग किया था, मेरा विरोध केवल उसके, मेरा सवाल ये था, नहीं कि मतलब जो देश भर में SC ST के साथ शोषण होता है तो ऐसे मौके पर भी आपको सामने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शुरुआत गुर्जर समाज सभी घर से होती है, तो हमारा घर हमारे गुर्जर बिरादरी है जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये थे हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर ऑल इंडिया गुर्जर समाज की जो कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो गुर्जर समाज ST समाज में आता है, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तर जम्मू कश्मीर का गुर्जर समाज है उसके साथ ही कुछ जातियाँ और हैं जिन्हें सरकार ST कैटेगरी में करना चाहती हैं। इसी बात का विरोध करने के लिए जम्मू कश्मीर का गुर्जर समाज और उनका समर्थन में पूरे देश भर के गुर्जर समाज के लोग आज जंतर मंतर इकट्ठा हुए हैं। तो ये थी आज का पूरा खबर, और आप इस पूरी खबर पर क्या समझते हैं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देखते रहिए जनता आवाज़, अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार के साथ, जनता आवाज़ दिल्ली।